शायद आप सब स्मार्ट रन कंपनी के बारे में जानते होंगे। ये एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और सचिन तेंदुलकर इसके एम्बेसडर व इन्वेस्टर हैं। हाल ही में स्मार्ट रन कंपनी ने सचिन तेंदुलकर के नाम पे अपना SRT फ़ोन लॉन्च किया है। तो आज हम इस वीडियो में इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन और कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे। मेरा नाम है विभा और darugaji.com पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल SRT द्वारा कुछ डिवाइस लॉन्च हुए थे पर मार्केट में उनका परफॉर्मेंस खास नहीं रहा। तो इस बार SRT ने कुछ चेंजेस करके व इम्प्रूवमेंट करके अपने इस SRT डिवाइस को लॉन्च किया है और इसके बजट पर भी ध्यान दिया है। दोस्तों, SRT का ये डिवाइस दो स्टोरेज ऑप्शंस में उपलब्ध है, 32 GB और 64 GB। स्मार्टफोन के 32 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,000 की है और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,000 की है। और डिवाइस के परचेज के साथ आपको एक बैक कवर भी दिया जाता है जिस पर सचिन तेंदुलकर की सिग्नेचर है, पर दोस्तों इसके लिए आपको अलग से चार्ज भी देना होगा। लुक्स की बात करें तो टाइटेनियम ग्रे कलर वाले इस डिवाइस में 5.5 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले है। कैपेसिटिव मल्टी टच के अलावा ये व्हाइट कलर डिस्प्ले है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल का है और ये 401 PPI पर काम करती है। डिस्प्ले पर सारे एंगल्स बढ़िया शो करते हैं। स्क्रीन को स्क्रैच से बचाने के लिए इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है। बिल्डअप क्वालिटी देखें तो ये प्लास्टिक बिल्ड डिवाइस है। इसके बैक और एजेस पर प्लास्टिक दिया है तो ये हीटिंग इश्यूज नहीं देगा। और इस SRT डिवाइस की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर CPU दिया है, जो एक स्ट्रॉन्ग CPU है। इस स्नैपड्रैगन 8976 चिपसेट के क्वाड कोर कॉर्टेक्स A72 बेस्ड है, जो 1.8 GHz स्पीड पर काम करते हैं। और इसके बाकी क्वाड कोर यानी 4 कोर कॉर्टेक्स A53 बेस्ड है, जो 1.44 GHz स्पीड पर काम करते हैं। ये प्रोसेसर एफिशिएंट परफॉर्मेंस में यूजफुल है। इस पावरफुल CPU से आप हैवी गेम्स भी आसानी से खेल सकते हैं और ये ज़्यादा हीटअप प्रॉब्लम भी नहीं देता है। साथ ही मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में 4 GB की ड्यूल चैनल LPDDR3 RAM दी गई है। इसके अलावा स्मूथ गेम परफॉर्मेंस के लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन एड्रेनो 510 GPU दिया है। दोस्तों, स्टोरेज के बारे में हमने पहले ही बताया कि ये डिवाइस 32 GB और 64 GB स्टोरेज ऑप्शंस में उपलब्ध है, पर यहाँ पर आपको एक्सपांडेबल स्टोरेज नहीं दी गई है, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, ये एक कमी है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। आपको अपग्रेडेड एंड्रॉइड 7.1 नॉगट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। यहाँ आपको टी क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है, जहाँ आप अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल में ले पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मिलता है आपको वो है 3000 mAh का। आपको 3000 mAh की हाई डेंसिटी लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी दी गई है और ये क्विक चार्ज 2.0 सपोर्टेड है। चार्जिंग के लिए USB-C टाइप कनेक्टर है और आपको डिवाइस के साथ 18 वॉट का 5V 2A चार्जर भी मिलता है। दोस्तों, डिवाइस का प्रोसेसर जो है वो पावरफुल है और ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप कुछ ज़्यादा का होता तो और बेहतर होता। अब बात करते हैं कैमरा पार्ट की, तो फोटोग्राफी के लिए यहाँ 13 MP का BSI रियर सेंसर व साथ ही सिंगल LED फ्लैश दिया है, जिसका कैमरा अपर्चर f2.0 का है। इसमें ऑटो फोकस और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर हैं। फ्रंट शूटर की बात करें तो यहाँ पर 5 MP का वाइड एंगल सेल्फी शूटर मिलता है। और अब सेंसर व अदर फीचर्स की ओर देखें तो स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमेट्री, एम्बिएंट लाइट, कैंपास, गायरो व रिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया है। साथ ही लोकेशन के लिए GPS व ग्लोनास फीचर है। वायरलेस फीचर में यहाँ आपको NFC फीचर्स दिया है, जिससे आप फास्ट और कैशलेस पेमेंट आसानी से कर सके। साथ ही ब्लूटूथ, वाईफाई फीचर भी मिल जाते हैं। दोस्तों, फिजिकल ओवरव्यू पर भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ 5.5 इंच की स्क्रीन पर फ्रंट कैमरा, स्पीकर व नेविगेशन बटन है। राइट साइड पर वॉल्यूम बटन दिया है। नीचे की ओर स्पीकर ग्रिल्स व USB-C टाइप पोर्ट है। इसके ग्रे कलर के पैनल पर 13 MP का रियर शूटर व LED फ्लैश दिया है। ये फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड पैनल है। दोस्तों, ये पैनल रिमूवेबल है, इसे आप आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस में जो पावर बटन दिया है वो स्मार्टफोन के ऊपर की तरफ दिया है, तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइसेस में जो पावर बटन होते हैं वो साइड्स पर दिए होते हैं और आपको भी उसी की आदत होती है, तो आपको इसकी आदत अब डालनी होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया है और ऑडियो जैक भी मिलता है, जहाँ ड्यूल सिम स्लॉट दिए हैं, पर ये SD कार्ड सपोर्टेड डिवाइस नहीं है। ये ड्यूल सिम VoLTE सपोर्टेड है। कैमरा के नीचे ऑरेंज कलर की एंटीना लाइन दी गई है।
उसके बाद स्मार्टफोन की ब्रांडिंग है, फास्ट रिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और नीचे भी SRT स्मार्टफोन की ब्रांडिंग दी गई है। सो इस तरह का ये एक डिफरेंट लुक डिजाइन फोन है और अच्छी बात यह है कि एक इंडियन ब्रांड है। और दोस्तों इसके डायमेंशंस की ओर देखें तो स्मार्टफोन की हाइट 153 mm है विथ 77 mm की है और इसकी थिकनेस 8.9 mm की है और इसका वजन 155 ग्राम का है। तो दोस्तों इस तरह से इस SRT स्मार्टफोन में ये सारे फीचर्स हैं। 13,000 से 14,000 की प्राइस सेगमेंट वाले स्मार्टफोन में कुछ फीचर्स बढ़िया हैं पर कहीं पर कुछ कमियां भी है। पर दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में आपको मोटोरोला व शाओमी जैसे डिवाइसेस के अच्छे फीचर फोन मिल जाएंगे, लेकिन सचिन सर के फैंस के लिए ये एक अच्छी बात है। और इस SRT स्मार्टफोन को लेके आपके क्या ओपिनियन या सुझाव है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।